इसके अंदर मान लो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ईएमएफ की वैल्यू क्या आगे बनो, ई वन साइन ओमेगा टी एंड ई टू कॉस ओमेगा टी, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, नॉर्मली इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होती है, और हमें पता है आरएमएस वैल्यू क्या होती है, ई नॉट बाई रूट टू। पर मान लो आपकी ईएमएफ साइन में भी और कॉस में भी है, फिर नेट ईएमएफ कैसे निकलेगी, मैक्सिमम ईएमएफ कैसे निकलेगी, आरएमएस वैल्यू कैसे निकलेगी? इसको करने के लिए आप अपने एसएचएम के अंदर वापस जाएं, सिंपल हार्मोनिक मोशन प्लस वन, एसएचएम के अंदर एसएचएम की इक्वेशन थी मान लो फाइव साइन ओमेगा टी डिस्प्लेसमेंट की, और मैं पूछता था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप बोलते थे फाइव, एम्पलीट्यूड क्या है फाइव, एम्पलीट्यूड इज नोन एज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फाइव। तो ऐसी अगर करंट है फाइव साइन ओमेगा टी तो मैक्सिमम करंट क्या है फाइव, तो यहाँ से आर एम एस कैन बी कैलकुलेटेड। उसी तरीके से अगर एस एच एम की इक्वेशन में एस एच एम की इक्वेशन में रूल था अगर साइन भी आ रहा है और कॉस भी आ रहा है, तो कैसे करते थे, साइन का कोफिशियंट का स्क्वायर और कॉस के कोफिशियंट का स्क्वायर का अंडर रूट लेके नेट मैक्सिमम ई एम एफ आती थी या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आती। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में क्या होगी, साइन का कोफिशियंट का स्क्वायर और कॉस के कोफिशियंट का स्क्वायर। लोग पूछते हैं ऐसे कैसे, अगर आपको याद हो तो वाई वॉज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड वेक्टर था, तो एक वेक्टर की वैल्यू तीन है, एक वेक्टर की वैल्यू चार है, और साइन और कॉस में फेज डिफरेंस कितना है 90 होता है, तो नेट वैल्यू क्या आएगी इसकी डिस्प्लेसमेंट की, अंडर रूट ऑफ थ्री का स्क्वायर फोर का स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू कॉस ऑफ 90, कॉस 90 जीरो होता है, तो सिंपली आंसर क्या जाता है थ्री और फोर का रिजल्टेंट फाइव। सेम मेथड से ई एम एफ निकलेगी, ई एम एफ का सेम तरीका है, अगर ई वन है और ई टू कोफिशियंट है और आपसे कोई कहे कि इसको देखते हुए मैक्सिमम ई एम एफ निकालो, तो अंडर रूट ऑफ साइन के कोफिशियंट का स्क्वायर और इधर से कॉस के कोफिशियंट का स्क्वायर, तो ये क्या आएगी मैक्सिमम ई एम एफ। अगर वो पूछे कि आर एम एस वैल्यू निकालो इसकी, तो मैक्सिमम ई एम एफ को रूट टू से क्या कर देना है डिवाइड, तो ई नॉट को रूट टू से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी आर एम एस की वैल्यू आएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना समझ में आ रहा है, साइन और कॉस दोनों हैं जिसमें। अब जैसे सपोज ये क्वेश्चन है आई की वैल्यू थ्री प्लस फाइव साइन ओमेगा टी, तो ये कौन सा करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट है, करंट टाइम के साथ अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है चेंज कर रहा है, पर हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ मैच नहीं कर रही इक्वेशन, इसमें एक्स्ट्रा क्या आ रहा है थ्री, मुझे क्या निकालना है आई आर एम एस, कोई तरीका नहीं है शॉर्टकट, अब आई आर एम एस का फॉर्मूला लिखें, लास्ट टाइम अंडर रूट ऑफ फॉर्मूला किया था आई स्क्वायर डी टी और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके कैपिटल टी तक बोल रहे हैं, तो लिमिट लगेगी जीरो से कैपिटल टी तक, तो आप इस आई की वैल्यू ऊपर से नीचे पुट कर दो आई का स्क्वायर हो जाएगा, आई का स्क्वायर में क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ओपन कर दो और डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन तो कैपिटल टी आया ही हुआ है, फिर इसे और ओपन करो इंटीग्रेशन को, नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल के लिए नहीं है फिर भी, तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड टर्म, और कॉन्स्टेंट बाहर आ गए, तो मुझे पता है टाइम की इंटीग्रेशन वन डी टी क्या देगी टी, साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन याद करवाई थी जीरो से टी क्या आंसर देता है टी बाई टू, और साइन की इंटीग्रेशन क्या देती है जीरो, टी 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 कैंसल आंसर। तो कैसे करना समझ में आ रहा है, आपने बस जो भी आपको फंक्शन गिवन होगा करंट का उसको उठा के आई की जगह पुट कर देना और होल स्क्वायर कर देना, आंसर आ जाएगा, क्लियर है यहाँ तक, इंटीग्रेट करके आंसर आएगा। जैसे सपोज ये क्वेश्चन कर लिया था, ये क्वेश्चन है एक रिपीटिंग पैटर्न है, ये रिपीट हो रहा है, ये फिर रिपीट हो रहा है, फिर रिपीट होगा और फिर रिपीट होगा, रिपीटिंग पैटर्न है, आपको इसमें क्या निकालना है मीन करंट निकालना है। मीन करंट का बेसिक फॉर्मूला था क्या, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, तो बेसिकली क्या था मीन करंट क्या था, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, क्लियर है। अब आपने क्या करना है, कोई भी एक रिपीटिंग पैटर्न एक ले लेना है, जैसे ये एक पैटर्न है बस ये ले लेना है इसका, क्योंकि ग्राफ करंट और टाइम का ग्राफ है, इसके अंडर एरिया जो होगा वो आपको टोटल चार्ज देगा, तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया निकलेगा रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया, तो रेक्टेंगल का एरिया कितने आई नॉट इंटू टी बाई टू और ट्राइंगल का हाफ इंटू आई नॉट इंटू आई नॉट है आई नॉट इंटू टी बाई टू डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना है टी से डिवाइड करते, टी 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 कैंसल आंसर। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, जब मीन करंट आएगा तो आपने टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम निकालना है और टोटल चार्ज में एरिया अंडर आईटी ग्राफ निकाल देना, आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो कोई भी रिपीटिंग पैटर्न एक ले लेना है उसका एरिया निकाल देना है तो टोटल चार्ज आ जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। उसी तरीके से ये क्वेश्चन नॉट फॉर मेडिकल, लिख लो प्लीज़ ओनली नॉन मेडिकल, तो इसके अंदर वोल्टेज और टाइम का ग्राफ दे रहा है वो,
ग्राफ कैसा है, यहां से यहां जा रहा है, फिर यहां से यहां जा रहा है, फिर ऐसी रिपीटिंग पैटर्न है। आपको क्या निकालना है, आपको इसमें आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालनी है। मुझे जो आरएमएस का फॉर्मूला पता है वो ये फॉर्मूला पता है, हाउ टू कैलकुलेट आरएमएस वोल्टेज, जिसमें वी स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ टी टी। अब मुझे पता है अगर आप मुझे वी की वैल्यू बता दो, वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो वी का फॉर्मूला निकाल लें, तो मैथ्स के स्टूडेंट अपना वो लगाएंगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये लाइन ले लें, इस लाइन की इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो वाई एक्सिस में क्या है वोल्टेज, एक्स एक्सिस में क्या है टाइम, इंटरसेप्ट कितना है माइनस वी नॉट, और स्लोप क्या है टू वी नॉट अपॉन टी, ये स्लोप आ गई। तो स्लोप निकाल के इंटरसेप्ट निकाल के वी की वैल्यू आ गई, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। पूरे के पूरे इस वी को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे होल स्क्वायर, फिर इसे ओपन करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी डिवाइडेड बाई टाइम, तो चलो टी चली रहा है नीचे, इंटीग्रेशन को ब्रेक करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, कॉन्स्टेंट बाहर आएंगे टाइम वाली टर्म अंदर, तो टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन टी क्यू बाई थ्री, ये टी और ये टी स्क्वायर बाई टू, वैल्यूज पुट करेंगे आंसर आएगा। मैथ्स के टीचर इंटीग्रेशन आपको सिखा देंगे, आपको आती भी इंटीग्रेशन मैथ से। पहला स्टेप जो मेरा था फिजिक्स का वो समझ में आ रहा है कि लाइन की इक्वेशन से आप वी निकालेंगे और वी की वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करके वी आरएमएस निकालेंगे, बस क्लियर है यहाँ तक।